हेलो दोस्तों, आज के छोटी सी वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे कम प्राइस में मिलने वाले जनरेटर, सबसे कम प्राइस और सबसे बेस्ट है ये जनरेटर। हम इस जनरेटर के देखेंगे कि इसमें फ्यूचर क्या है, इतना वाट कितना इसके डाल सकते हो, इसका अल्टरनेटर कितना बड़ा लगा है, ये सारे हम आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आ जाए तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस जनरेटर का कंपनी जो है स्टेफ्राम है, ये मेड इन इंडिया का जनरेटर है। इसका मॉडल नंबर EFH1400, इसका ये मॉडल नंबर है। दोस्तों, इसका कैपेसिटी जो है 1200 वाट का है ये जनरेटर, मतलब इस जनरेटर में आप 1000 तक लोड डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और 200 जो है ये जो है इसका मतलब ये फ्री में रहता है, ये प्लस दिया गया है, मतलब आप इस जनरेटर से 1000 तक वाट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका वोल्टेज जो है 230 वोल्टेज है, 15 हर्ट फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। दोस्तों, इस जनरेटर में सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन दिया गया है। यहाँ से आप पेट्रोल डाल के इस जनरेटर को हैंड में स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से कोई सेल स्टार्ट नहीं मिलता है, बैटरी ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसको आप हैंड से हाथ से स्टार्ट कर सकते हो। इसका फ्यूल टैंक की बात किया जाए तो ये इसका फ्यूल टैंक जो है 7.5 लीटर पेट्रोल फ्यूल टैंक है, ये यहाँ से 7.5 लीटर का पेट्रोल यहाँ से भर सकते हो। इस जनरेटर को एक बार स्टार्ट करने से इसको 6 घंटे तक चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 घंटे चलाने के बाद 2 घंटा रेस्ट दे देना है, और 2 घंटा रेस्ट जाने के बाद फिर इसको 6 घंटे चलाना है। 6 घंटे चलाने के बाद फिर 2 घंटा चला सकते हो, इसको अप करके फिर चला सकते हो, मतलब ऐसे करके करके 6 घंटा 6 घंटा चला चला के बीच में 2-2 घंटा रेस्ट देकर आप महीने तक भी इसको चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, इसका फ्यूल कंज्यूम्स की बात किया जाए तो ये जो है 1 लीटर पेट्रोल में 2 घंटे माइलेज देता है। ये 1 लीटर पेट्रोल यहाँ से इस जनरेटर को डाल के आप 2 घंटे तक इसका बैकअप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली ये आपको 2 घंटे तक चला देगा। दोस्तों, इसका इंजन जो है 98 cc का पेट्रोल इंजन दिया गया है। दोस्तों, इस जनरेटर में जो है लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, कूलर, सीलिंग फैन, LED बल्ब चला सकते हो। इसका मतलब नहीं है कि एक बार में सारे डाल दिया तो चल जाएगा, ये जो है ओवरलोड हो जाएगा, एक एक करके इसको चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये जो है इजीली चला देगा। इसमें LED बल्ब जो है, जो 9 वाट का LED बल्ब आता है, इस LED बल्ब को आप 100 LED बल्ब यहाँ से इस जनरेटर से चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, इस जनरेटर का वेट जो है 34 kg है, 34 kg, मतलब इस जनरेटर के आपको कोई से भी इसको पकड़ के ले जाने क्योंकि भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको इजीली आप कोई भी ले जा सकते हो, आपके गाड़ी में बैठा के भी। दोस्तों, इस जनरेटर का कलर में जो है ब्लैक और रेड आता है, मतलब ये 2 कलर का जनरेटर आता है। दोस्तों, ये तो हो गई जनरेटर की बात, इसके बाद आता है इसके प्राइस की बात। इसका प्राइस जो है 32,900 रुपया में इसका प्राइस जो है आज का टाइम में है, हो सकता है आपका मार्केट में या थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। इसका लिंक जो है आपको अमेजन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसको अमेजन में जाके आराम से परचेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से जो है 32,900 रुपया अमेजन में आपको मिल जाएगा, जाके इस जनरेटर को आप परचेस कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगली वीडियो आपको कौन सा चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपके लिए कौन से जनरेटर बेस्ट होगा ये हमें कमेंट में बताइए।